जय हिंद फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है आपका द स्टॉक रेजिमेंट में मैं हूं मेजर माधव आज हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मूव के बारे में साथ ही देखेंगे एक स्टॉक विद इट्स प्राइस एक्शन एनालिसिस तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के साथ निफ्टी का मेरी स्क्रीन पे आप डेली चार्ट देख सकते हैं तो क्लियरली काफी दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं दैट निफ्टी इज गिविंग अ क्वाइट अ शार्प अप मूव नाउ यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आना चाहिए रिट्रेसमेंट के सेंस में अगर आप देखें तो 18,000 के लेवल्स को टच करके बार बार नीचे आया है निफ्टी एंड इट इज रिट्रेस्ड ट्वाइस तो पहले एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला हमें एंड दोबारा एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल चुका है तो निफ्टी अगर आप देखें अभी एक बहुत ही क्रूशल क्रिटिकल लेवल पर है अब अगर ये एटीन थाउजेंड को यहाँ से ब्रेकआउट कर जाता है तो वहाँ से हमें एक स्ट्रांग बाइंग देखने को मिल सकती है वरना ये इसी लेवल से रिट्रेस होकर नीचे आ सकता है तो अगर डेली चार्ट पे निफ्टी का एनालिसिस आप देखें तो नीचे अगर आता है फ्रॉम 18,000 लेवल्स 18,000 पर अगर एक रेजिस्टेंस खाकर नीचे आता है तो इट कैन कम डाउन टू दी 17,600 17,650 के लेवल्स तक पहुंच सकता है सो दैट इज दी सपोर्ट लेवल दैट निफ्टी विल सी फ्रॉम हियर ट्रेडिंग के लिए इंट्रा के लिए फिफ्टीन मिनट चार्ट पे एक बार नजर मारते हैं तो फिफ्टीन मिनट चार्ट पे अगर आप निफ्टी को देखें तो इट हैज गिवेन अ क्लियर साइडवेज क्लोजिंग फॉर द पास टू डेज तो दो दिन लगातार देखिए आप ये बिल्कुल ही साइडवेज क्लोजिंग दे रहा है एंड साइडवेज क्लोजिंग से पहले काफी वॉलोटाइल थायर अगेन आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकती है यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि ये अपट्रेंड में जा रहा है या डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशल एंड क्रिटिकल लेवल लेवल्स की अगर बात करो तो ये जो अब लेवल दिया है सेवनटीन थाउजेंड नाइन फिफ्टी का अगर निफ्टी 17,950 के लेवल से ऊपर जाता है अप्रोचिंग 18,000 एंड उसको ब्रेक करता है तो देन इट इज अ क्लियर बाइंग सिनेरियो आप वहां पर बाई करके चल सकते हैं बट अगर ये यहां से नीचे आता है तो देन दे वुड बी मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट दैट यू हैव टू लुक आफ्टर तो पहला पॉइंट ऑफ सपोर्ट जो आप देख रहे हैं वो आपका सेवनटीन के लेवल्स पे आएगा एंड वहां से भी अगर नीचे जाता है तो आपको काफी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है बिकॉज द नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट वुड बी समवेयर अराउंड लेवल्स तो इन लेवल्स को आप मार्क करके चल सकते हैं अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर निकलता है वेरी क्लोज टू एटीन थाउजेंड तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है यहाँ अगर रे, रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाता है तो बाइंग सीनारियो पक्का बनता है निफ्टी में चलिए नजर डालते हैं एक बार बैंक निफ्टी पे बैंक निफ्टी दोबारा मैं डेली चार्ट से ही शुरू करना चाहूंगा तो डेली चार्ट अगर आप देखें वन डे दे चार्ट में आपको क्लियरली नजर आ रहा है बैंक निफ्टी भी एक अप ट्रेंड में ही चला हुआ है बट बैंक निफ्टी थोड़ा और स्ट्रांग है निफ्टी से क्योंकि बार बार ये सेलिंग एंड बाइंग प्रेशर दोनों झेलता हुआ ऊपर आया है दैट मीन्स द सेलर्स वर एक्टिवेटेड एवरी टाइम ये बाइंग प्रेशर बाइंग बायर साइड से जब ऊपर जा रहा था हर बार सेलर्स एक्टिवेट हो रहे थे एंड इसको नीचे लेकर आ रहे थे तो देर वॉज अ टू वे मूवमेंट दैट वॉज है इसका कंप्लीटली फ्रॉम थर्टी सेवन थाउजेंड लेवल से लेके अब की जो थर्टी सेवन थाउजेंड लेवल्स पे आया है दिस इज अ सस्टेन्ड मूवमेंट विच इज है तो रिट्रेसमेंट यहाँ पर हमको टाइम एंड अगेन बीच बीच में देखने को मिल रही थी तो वेरी स्ट्रॉन्ग मूव आई वुड से अभी जो लेवल है करंट लेवल अगर आप देखें तो करंट लेवल ऑफ थर्टी सेवन सेवन हंड्रेड एट हंड्रेड का जो ये बिटवीन निफ्टी निफ्टी में हमने बोला इट इज इज नियर रेजिस्टेंस नाउ बैंक इन बिटवीन अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यानी कि ये दोनों तरफ कहीं भी निकल सकता है अगर ऊपर जाता है तो यहां पर रेजिस्टेंस बहुत पास है आपका रेजिस्टेंस है थर्टी एट थाउजेंड के लेवल्स पर एंड ठीक उसी तरह से अगर वहां से नीचे आता है तो आपको यहां पर नजर आ रहा होगा That 37500 ke levels pe के लेवल्स पे is the first support and फर्स्ट सपोर्ट एंड is going सपोर्ट be at 37000 बी एट थर्टी सेवन थाउजेंड लेवल्स तो दो सपोर्ट लेवल्स हैं जो नजदीक है के तौर पे आपका थर्टी एट थाउजेंड एक राउंड लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो बार बार इसने टेस्ट किया है इसको अगर ये ब्रेकआउट करता है तो आपको थर्टी का लेवल पार करने को मिल सकता है फर्स्ट टारगेट आफ्टर एट थाउजेंड वुल बी थर्टी लेवल्स एक बार फिफ्टीन मिनट्स पे डेली एनालिसिस देखते हैं हैं हैं। फॉर इंट्राडे इंट्राडे ट्रेड्स। के लिए अगर आप देखें तो बैंक निफ़्टी में भी आपको जो मूव्स काफी साइडवेज देखने को मिले प्रीमियम डीके मतलब आपने कुछ खरीदा अगर बाइंग साइड पर तो कंप्लीटली प्रीमियम डीके कर देता है बिकॉज साइडवेज मार्केट में जब भी आपको एक अप और डाउन मूवमेंट मिलता है वहां पर आपका प्रीमियम

नाउ वी हैव टू सी दैट वेदर इट इज गोइंग टू गो अपर कम डाउन तो काफी डिसाइसिव रहेगा कल का अगर गैप अप खुल जाता है और वहां से सस्टेन करता हुआ ऊपर जाता है तो आई थिंक द बाइंग कैन कंटिन्यू फ्रॉम देयर बट अगर रेजिस्टेंस के नजदीक गैप अप खुलता है और रेजिस्टेंस खा के वापस नीचे आता है तो वहां से आपको दोबारा सेलिंग प्रेजर देखने को मिल सकता है अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आई विल डेमोन्स्ट्रेट दिस यू कैन जस्ट हैव अ लुक दो लेवल्स जो मैंने मार्क किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं सबसे पहले अगर आपका कल फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से ऊपर जाता है थर्टी एट थाउजेंड वुड बी आइडियल लेवल जहां तक का आप टारगेट सेट कर सकते हैं एंड आप वहां तक की बाइंग कर सकते हैं बिकॉज तो से थोड़ा बहुत ही रूम बचता है एक अप मूव के लिए वही अगर आप देखें अगर फ्लैट खुल के नीचे की ओर आता है तो द नियरेस्ट लेवल ऑफ सपोर्ट इज एट थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो यहाँ तक का मूव आप जरूर कैप्चर कर सकते हैं कल मार्केट अगर गैप अप गैप डाउन खुलती है इन लेवल्स का ध्यान जरूर रखना अगर इन लेवल्स के नजदीक खुलती है तो देन यू कैन वेट फॉर अ रेजिस्टेंस टू तो गेट एक्टिवेटेड एंड प्राइस वापस नीचे आए वही अगर आपके सपोर्ट के लेवल पे आती है तो देन अगेन बी केयरफुल कि अगर यहां से बाउंस बैक करती है तो मार्केट इन दोनों रेंजेस के बिटवीन ही घूम सकती है फायदा कब होगा एक ऑप्शन बायर को जब इन दोनों लेवल्स से आपको एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिले एंड आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिले दो दिन लगातार साइडवेज रही है बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है वी कैन दैट तो लेवल्स मार्क करके रखिए जैसे ही इन लेवल से आपको एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है यू कैन कैप्चर इट देन चलिए देखते हैं आज का स्टॉक विद इट्स प्राइस एक्शन एनालिसिस तो आज का स्टॉक है हमारा कैनरा बैंक तो कैनरा बैंक में मैं आपको दिखाना चाहता हूं वेरी वेरी स्ट्रॉ प्राइज एक्शन गुड मूव पर ये लगातार में के महीने में कुछ टाइम के लिए एक साइड वेज मूवमेंट दिया है इसने साइडवेज मूवमेंट देने के बाद अब इस स्टॉक ने दोबारा यहां से एक ब्रेकआउट दिया है सो इफ यू लुक एट दिस केयरफुल चार्ट को अगर ध्यान से देखें लेवल ऑफ रेजिस्टेंस इसको टेस्ट किया एक बार एंड उसके बाद इसको ब्रेक किया अब दोबारा यहाँ पर रीटेस्ट कर रहा है यानी कि रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद अब एक सपोर्ट का काम कर रहा है रेजिस्टेंस यहाँ से ये यह स्टॉक दोबारा बाउंस बैक कर सकता है सो द नियर लेवल टारगेट्स दैट यू वुड हैव वन 177 पे है तो वन का लेवल ये जैसे ही क्रॉस करता है द नेक्स्ट साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस वुड बी टू हंड्रेड लेवल्स तो आप यहाँ से इसको खरीद के चल सकते हैं फॉर द नियर टारगेट ऑफ टू हंड्रेड स्टॉप लॉस रख सकते हैं इससे दस से बारह रुपए का पोजिशनल ट्रेड है इससे ज्यादा स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी भी ये आप ट्रेंड में ही है अगर स्टॉक दस से बारह रुपए गिर जाए तो देन यू कैन अंडरस्टैंड की ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है एंड अभी ये ट्रेंड रिवर्स हो रहा है बट अभी कुछ ऐसे साइंस नहीं नजर आ रहे हैं चार्ट क्लियरली ट्रेंड में है इसको आप बाई कर सकते हैं फॉर अ नियर टारगेट ऑफ 200 यहाँ से आपको एक अच्छा ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है बिकॉज़ दिस इज अ लेवल जिसको अगर आप थोड़ा सा बैक टेस्ट करके देखें आपको समझ में आएगा दैट दिस इज अ लेवल ऑफ स्ट्रांग रेजिस्टेंस ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं सितंबर uh, 19 पे ये एक सपोर्ट का काम कर रहा सो दिस इज द फर्स्ट लेवल जहां मैं आपको दिखा रहा हूं इसको थोड़ा और बैक टेस्ट करेंगे तो आपको दोबारा दिखेगा दैट दिस लेवल इज बीन टेस्टेड मल्टीपल टाइम्स तो ये 2016 में ये 2013 में तो ये लेवल ही कुछ ऐसा है 180 टू 200 का जहां पर ये मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट ले चुका है सो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रांग लेवल यहां से अगर इस बार ब्रेकआउट मिलता है तो आपको एक अच्छा खासा स्ट्रॉग मिलेगा बिकॉज दिस इज टेस्टेड सपोर्ट ब्रेकआउट होते ही एडिशनल बाइंग वहां पे होगी एंड यू विल सी दैट द स्टॉक विल मूव वेरी फास्ट तो आज के वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए कमेंट शेयर एंड डू सब्सक्राइब थैंक यू सो मच जय हिंद